मूवी के शुरू में हम व्यूअर्स रे नाम के एक आदमी को देख पाते हैं। वो अभी कोर्ट रूम में है और आज इसका डिवोर्स होने वाला है। उसकी वाइफ उसे चीट कर रही थी। रे ने उसे उसके लवर के साथ पकड़ लिया था और गुस्से से उसे थप्पड़ भी मार दिया था। डिवोर्स हो जाने के बाद वो उनके पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक टाइम था वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर अब सब कुछ बदल चुका है। वो अलग हो चुके हैं। वो एक दूसरे को उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए गुड लक विश करके निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स रे को उसके फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट पे देख पाते हैं। वो नॉर्मन, लैडी और उसकी वाइफ एलिन के साथ उसका डिवोर्स सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो लोग उसे फिर से किसी लड़की के साथ एंगेज होने के लिए एनकरेज कर रहे थे। रे कहता है उसे अब पूरी फैमिली चाहिए। वो उसकी मनपसंद लड़की से शादी करके सेटल होना चाहता है। तब नॉर्मन कहता है रे के लिए लड़की बोर ढूंढेगा। इसके कुछ दिनों बाद नॉर्मन रे से मिलने उसके ऑफिस में आता है। वो उससे $20,000 उधार मांगता है। रे एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, इसलिए उसके पास बहुत पैसा है। रे कहता है वो उसे सिर्फ $10,000 ही दे पाएगा और पैसों के लिए उनकी फ्रेंडशिप भी एक दिन टूट सकती है। नॉर्मन फिर भी इंसिस्ट करता है तो रे मान जाता है और उसे $20,000 दे देता है। नॉर्मन उसे एक पार्टी में इन्वाइट करता है जहाँ वो उसे किसी लड़की से मिलवाएगा, ऐसा कहता है। अगली सीन में हम रे और उसके फ्रेंड्स को उस पार्टी में देख पाते हैं। ये पार्टी आर्ट गैलरी में था, इसलिए बहुत सारे सेलर्स और बायर्स आए थे। इधर रे नॉर्मन के बताए गए लड़की से मिलता है। ये लड़की उससे ओपनली फ्लर्ट करने लगती है। रे को ये लड़की पसंद नहीं आती तो वो उससे पीछा छुड़ा के जाने लगता है और लीना से टकरा जाता है। वो उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। रे फर्स्ट टाइम लीना से मिलता है लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लीना सोचती है ये लड़की रे की गर्लफ्रेंड है और रे उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो वो रे को इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। रे गुस्से से नॉर्मन को कहता है अब से तू मेरे लिए और कोई लड़की नहीं ढूंढेगा, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। इसके कुछ दिनों बाद सुपरमार्केट में रे लीना से मिलता है। लीना उससे माफ़ी मांगती है और कहती है उस दिन मैं ओवर रिएक्ट की थी। असल में वो एक आर्टिस्ट को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए सच सच के आई थी। रे ने सब बर्बाद कर दिया, बट वो आर्टिस्ट भी घटिया आदमी था, तो एक तरह से देखा जाए तो रे ने लीना को उस आर्टिस्ट से बचाया है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करके काउंटर पर चली जाती है। रे भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ रे कहता है ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं किसी लड़की से सुपरमार्केट में मिला और उसे डेट के लिए पूछ लिया। लीना इस बात पे हंस देती है। इन दोनों में और भी बातें होती हैं। रे उसे घर छोड़ने जाता है और कहता है क्या मैं 5 मिनट के लिए तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। लीना कहती है नहीं, तुम 5 मिनट में नहीं जा पाओगे, ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। अगले दिन नॉर्मन उसे कॉल करता है। हर बुधवार को नॉर्मन गोल्फ खेलने जाता है तो वो रे को भी बुलाता है। रे उससे लीना के बारे में पूछता है बट वो लीना को नहीं पहचानता। रात को रे लीना के घर के बाहर खड़ा था। एक आदमी के साथ उसे लीना दिखती है। लीना उसे किस करती है फिर घर चली जाती है। लीना के घर के बाहर बजर लगे हुए थे जिसकी मदद से कोई भी विजिटर अलग अलग अपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। 2-3 बार ट्राई करने के बाद वो लीना से कॉन्टैक्ट कर पाता है। वो कहता है मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं था तो तुम्हारे घर पे आना पड़ा, क्या हम दोनों डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। तब लीना दरवाज़ा खोल देती है। रे ऊपर आके देखता है लीना नहा रही थी। वो गीले कपड़ों में उसके पास आती है जिससे रे और भी अट्रैक्ट होता है। रे कहता है मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ देखा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लीना कहती है नहीं, वो बस मेरा दोस्त है और वो गे है। लीना को आज बहुत सीरियस मूड में देखकर रे पूछता है क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या है। लीना कहती है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तब रे कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और इसी के साथ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर लीना अपने बारे में रे को बताती है। लीना जब छोटी थी तब उसकी मॉम उसे बहुत मारती थी और उसके डैड कभी इसका प्रोटेस्ट नहीं किए। वो बचपन से ही बहुत एब्यूज हुई थी। लीना खूबसूरत है इसलिए सब लोग उसे हासिल करना चाहते हैं, पर किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। रे कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जैसी हो वैसे ही तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। फिर इन दोनों की शादी दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत खुश थे। उसके फ्रेंड्स और रे की एक स्वाइप भी खुश थी। रे फिर से शादी कर रहा है ये देखकर। लीना के पेरेंट्स शादी में नहीं आए थे, बस उसकी एक फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। रे के पेरेंट्स डांस कर रहे थे। इनके शादी के बहुत साल बीत चुके हैं इसलिए और रोमांस नहीं बचा था। लीना प्रॉमिस करती है वो दोनों ऐसे कपल कभी नहीं बनेंगे, उनके बीच रोमांस हमेशा रहेगा। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं और उनकी एक बेटी होती है। वो दोनों एक दिन डिनर करने बाहर जाते हैं तो एक औरत लीना को सीसी नाम से पुकारती है। वो कहती है मेरा नाम सीसी नहीं लीना है। ये बात उस औरत को अजीब लगता है और वो लीना से माफ़ी मांग के चली जाती है।
तब लीना रे से कहती है ये इंसिडेंट उसके साथ पहले भी हो चुका है, शायद सिसी नाम की कोई लड़की है जिसकी शक्ल उससे मिलती है, इसलिए सब लोग बार बार ये गलती करते हैं। इसके बाद और भी टाइम गुजर जाते हैं और उनकी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन एक दिन रे घर आके देखता है लीना किसी से फोन पे बात कर रही है। उसकी वॉइस बहुत ही सिरेक्टिव थी तो रे को लगता है वो किसी आदमी से बात कर रही होगी। रे के पूछने पर लीना कहती है ये उसकी डांस क्लास वाली फ्रेंड डेवी है। डेवी और उसके पति के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसी के बारे में वो लीना से डिस्कस कर रही थी। फिर रात को रे लीना के साथ इंटीमेट होना चाहता है पर लीना मना कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लैरी से मिलने जाता है और कहता है ये शादी है या फिर पार्टनरशिप। लैरी कहता है भाई तो टेंशन मत ले, ऐसा सबके साथ ही होता है। तब रे कहता है मैंने उसे किसी के साथ फोन पे बात करते हुए सुना है, वो कहती है ये उसकी फ्रेंड डेवी है पर मुझे शक है कि उसका अफेयर चल रहा है। तब लैरी उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। एक नए प्रोजेक्ट के लिए वो मिस्टर मूरा के ऑफिस जाता है। उधर वो उनकी सेक्रेटरी सेलिन रॉजर्स से मिलता है। बातों बातों में उसे पता चलता है सेलिन और लीना की यूनिवर्सिटी सेम है। रे पूछता है क्या तुम लीना मैथर्स को जानती हो, वो कहती है नहीं, उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड भी याद नहीं है। काफ़ी साल बीत गए हैं और सब कॉन्टैक्ट्स भी धीरे धीरे टूट गया है पर मुझे एक बात हमेशा याद रहेगा, हमारे प्रिंसिपल सैम शॉ सबके सामने स्टेज पर ही हार्ट अटैक से मारे गए थे, वो तब स्पीच दे रहे थे। दिन वो मिस्टर मूरा से मिलता है और उसे ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। घर आके वो लीना को गुड न्यूज़ देता है कि मिस्टर मूरा के प्रोजेक्ट के लिए वो सब जापान जा रहे हैं। ये सुन के लीना भी खुश होती है। रे कहता है आज मैं तुम्हारी एक बैचमेट सेलिन रॉजर से मिला था। लीना कहती है मुझे वो याद नहीं। दिन रे कहता है हाँ उसे भी तुम याद नहीं पर तुम्हें सैम शॉ तो याद होगा जो हार्ट अटैक से मारे गए थे। लीना कहती है हाँ याद है, सैम मेरा क्लासमेट था, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, इतनी कम उम्र में वो मारा गया, बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। रे समझ जाता है कि लीना उससे झूठ बोल रही है पर अभी वो उसे कन्फ्रंट नहीं करता। अगली सुबह लीना जब नहाने जाती है तब रे लीना की पर्स चेक करता है, उसमें से उसे एक होटल का कार्ड मिलता है। लीना उसे पकड़ लेती है तो वो कहता है मैं पैसे निकालना भूल गया था, मेरे पास कैश नहीं है इसलिए मुझे तुमसे कुछ कैश चाहिए। इसके बाद वो लीना के होम टाउन जाता है सच का पता लगाने। वो सबको लीना की फ़ोटो दिखा के उसके बारे में पूछता है लेकिन कोई उसे पहचानते नहीं है। आखिर में एक गैराज ओनर उसे पहचान लेता है, वो कहता है इसका नाम लीना नहीं सिसी है, एक टाइम था जब सिसी उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो पूछता है क्या सिसी तुम्हें धोखा दे के भाग गई है। रे कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब ये आदमी कहता है सिसी हमेशा कहती थी वो किसी अमीर आदमी से शादी करेगी फिर उसके पैसे लेकर भाग जाएगी, सिसी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, तुम्हें हमेशा केयरफुल रहना होगा और शादी से पहले तुम्हें उसके मॉम डैड से भी मिलना चाहिए था। रे उस आदमी से लीना के मॉम डैड का एड्रेस लेकर उनसे मिलने जाता है। लीना के मॉम डैड रे को देखकर बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं लीना तुम्हारे बारे में हमें लिखती रहती है, आज तक तुम्हें सिर्फ फोटो में देखा था, अब जाके हम लोग एक दूसरे से मिले। रे देखता है ये दोनों कितने डिसेंट एंड वेल बिहेव्ड है, ऊपर से लीना की फोटो से भी पता चलता है उसकी परवरिश कितनी अच्छी हुई है। वो इन्हें अपने साथ घर ले आता है। इन्हें देखकर लीना शॉक्ड एंड सरप्राइज दोनों होती है। फिर ये दोनों लीना की बचपन की कहानी रे को सुनाते हैं। वो कहते हैं हमने उसका नाम सिसी रखा था पर उसने अपना नाम चेंज कर लिया जिससे हम दोनों को बहुत इंसल्ट फील हुआ। एक लड़की अपना नाम तब चेंज करती है जब उसकी शादी होती है पर शादी से पहले ही नाम चेंज करने का रीज़न क्या है ये हमें नहीं पता। दिन अपने रूम में जाकर रे उसे कन्फ्रंट करता है। तब लीना कहती है मेरे पेरेंट्स जिस छोटे से टाउन में रहते हैं अगर मैं भी उधर रहती तो उधर ही फंस के रह जाती। तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को भी देखे हो, उसके साथ मेरी शादी हो जाती और उसके बच्चों को पाल रही होती, लेकिन मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना था इसलिए मैं बड़े शहर में आके रहने लगी और 8 साल पहले ही नाम चेंज कर ली थी। थेल्मा स्नेडर से लीना मैथर्स बन गई थी एंड सीसी इज माई निकनेम। फिर सोते टाइम लीना रे से माफ़ी मांगती है और कहती है बहुत बार कोशिश की थी तुम्हें सच बताने की पर डरती थी, सच जान के तुम मुझे छोड़ ना दो। रे कहता है तुम्हें सब सच पहले ही बता देना चाहिए था। सुबह वो पेरेंट्स को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं और लीना कहती है अब हम दोनों के बीच और कोई भी राज नहीं है। कुछ और साल बीत जाते हैं, उन्हें और एक बच्चा होता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक गए हुए होते हैं। एक दिन लीना फिर से पहले की तरह फ़ोन पर बात कर रही होती है, पूछने पर फिर से वो डेवी का नाम लेती है। रे इस बार भी कुछ नहीं कहता। अगले दिन वो ऑफिस से घर पर कॉल करता है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता, दैट मीन्स लीना घर पर नहीं है। घर जाके वो लीना को कन्फ्रंट करता है। लीना कहती है दोपहर को मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम ऑफिस में नहीं थे, साइड विजिट पे गए हुए थे,
इसलिए मैं डेबी के पास चली गई। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो डेबी से बात कर लो। ये बोल के वो खुद ही डेबी को कॉल लगा देती है, पर कॉल वॉइसमेल में चला जाता है तो रे फोन काट देता है। देन लीना सेज यू आर सिक, गेट सम हेल्प। रात को दोनों इंटीमेट होते हैं और लीना उसे मना लेती है। रे की सेक्रेटरी छुट्टी पे थी तो एक दूसरी लड़की कुछ दिनों के लिए उसकी जगह पे आती है। रे उसे पहचान लेता है। वो कहता है तुम लीना की फ्रेंड हो और तुम मेरी शादी में भी आई थी। असल में लीना इस लड़की को हायर की थी, उसकी फ्रेंड कोई है ऐसा दिखाने के लिए। रे लीना के सामने उसे लाके खड़ा कर देता है। तब लीना कहती है हाँ मैंने उसे हायर किया था, तुमसे उस पार्टी में मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था, वो मेरा प्लान था। मैं तुम्हें पहले से ही जानती थी, तुम तब मैरिड थे। जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ तब मैंने प्लान किया कि तुमसे मिलूंगी, मैं तुम्हें पाना चाहती थी इसलिए मैंने ये सब किया। रे कहता है जब भी सोचता हूँ तुम्हें भरोसा करूँ तभी तुम मेरा दिल तोड़ देती हो। लीना कहती है इसे ही तो प्यार कहते हैं। वो फिर से लैरी के साथ सब कुछ डिस्कस करता है। लैरी कहता है फैमिली टेंशन देने के लिए होती है और फ्रेंड्स उस टेंशन को दूर करने के लिए होते हैं। वो रे को संभाल लेता है। फिर एक दिन लीना की क्रेडिट कार्ड का बिल गलती से रे के ऑफिस में चला जाता है। वो देखता है एक पर्टिकुलर होटल में लीना हर बुधवार को जाती है, आज भी बुधवार है तो चेक करने के लिए वो घर पे कॉल करता है पर कोई फ़ोन नहीं उठाता तो वो उस होटल पे कॉल करता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कुछ देर पहले लीना होटल से निकल चुकी है। रे गुस्से से घर पहुँचता है, दोनों बच्चों को बेबी सीटर के साथ पार्क में भेजता है। फिर लीना को कन्फ्रंट करता है। वो पूछता है तुम हर बुधवार उस होटल में किसके साथ जाती हो। लीना कहती है वो तुम्हारा ही फ्रेंड है जिसके साथ मैं बात करती थी और तुम उसे डेवी समझते थे। वो उसे और चिढ़ाने के लिए कहती है उसका साइज तुमसे बड़ा है, वो मुझे तुमसे ज़्यादा सुख दे पाता है, उसके साथ मेरा अफेयर शादी से पहले से चल रहा है। रे पूछता है तो ये बच्चे किसके हैं क्या तुम्हें पता है। लीना कहती है हाँ मुझे पता है पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तब रे गुस्से से उसे एक थप्पड़ लगा देता है देन घर से निकल जाता है। उसे रियलाइज़ होता है हर बुधवार को नॉर्मन उसे गोल्फ खेलने बुलाता था पर वो काम के प्रेशर में नहीं जा पाता था, तो ये आदमी और कोई नहीं नॉर्मन ही होगा। घर वापस आके वो देखता है सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, उधर साइकेट्रिस्ट और पुलिस मौजूद है। लीना कंप्लेन की है रे उसे अब्यूज़ करता है। लीना खुद को चोट पहुंचा के पुलिस को मैनिपुलेट करके रे को फंसा देती है, उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। फिर एक दिन रे से मिलने वो उधर आती है। वो कहती है अब तुम जान चुके हो मैं किस टाइप की इंसान हूँ, लेकिन ये याद रखना मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। अगर मैं ये केस हार गई तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी और अगर जीत गई तो तुम्हारे बच्चों को छोड़कर तुम्हारे पैसे लेकर अपने लवर के साथ भाग जाऊँगी। फिर हियरिंग के दिन जज उस साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं। वो कहते हैं लीना मेरे पास काफ़ी सालों से आती है, उसके पति उसे अब्यूज़ करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, इसके निशान मैंने लीना की बॉडी पे देखा है, एज ए प्रूफ कुछ फोटोज दिखाया जाता है। रे इसका प्रोटेस्ट करता है पर जज उसे अभी चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर नॉर्मन को बुलाया जाता है। वो कहता है मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ कि अपने दोस्त की बेबी के साथ अफेयर करूँगा। एज अ प्रूफ वो उसके गोल्फ क्लब के कुछ फ्रेंड्स का लेटर दिखाता है जिसे ये साबित हो जाता है कि वो लीना का लवर नहीं है। वो ये भी कहता है रे ने अपनी एक्स वाइफ को थप्पड़ मारा था, दैट्स वाई उनका डिवोर्स हो गया। फिर आती है डेबी, लीना इसे भी हायर की थी। डेबी इतनी अच्छे से परफॉर्म करती है कि कोई पकड़ नहीं पाता कि वो फेक है। रे प्रोटेस्ट करता है, उस होटल बिल्स जज को दिखाता है। देन जज के पूछने पर लीना कहती है मैं होटल के मैनेजर से लेटर लाई हूँ, उसमें लिखा है वो मुझे नहीं जानते, ना कोई होटल स्टाफ मुझे पहचानता है और मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया था, मैंने उसकी कंप्लेंट की है, आप उसकी कॉपी देख सकते हैं। रे ये केस हार जाता है और उसे पागलखाने भेज दिया जाता है, उसे डेली सिडेटिव्स दिया जाता था। रे का रूममेट उसका दोस्त बन जाता है। वो कहता है मेरे पापा कहते थे फैमिली हमें पागल बनाती है और दोस्त हमें संभालते हैं। ये बात रे को स्ट्राइक करती है क्योंकि ठीक ऐसा ही कुछ लैरी उससे कहा करता था। वो लैरी की वाइफ एलिन को कॉल करके मिलने बुलाता है, वो एक लॉयर होने के साथ रे की फ्रेंड भी है। रे कहता है मुझे शक है लीना का लवर तुम्हारा पति लैरी है, वो दोनों मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं, आई थिंक वो दोनों एक दूसरे को 5-6 सालों से जानते हैं, इस बारे में तुम्हें क्या लगता है। एलिन कहती है ये पॉसिबल है, लैरी और लीना शायद पैसे लेकर न्यूजीलैंड भाग जाएंगे क्योंकि लैरी ने उधर एक घर खरीदा है एलिन को बिना बताए, जिसके डाउन पेमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एलिन को जब घर के बारे में पता चला तब वो जानना चाही कि इतने पैसे कहाँ से मिला। लैरी सेड ये कुछ इन्वेस्टमेंट है जो उसे मिला है। देन रे एलिन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। एलिन लीना को कॉल करके कहती है मैं रे से मिलने आई थी पर वो बेहोशी की हालत में था और बार बार कह रहा था तुम्हारे प्लान में फॉल्ट है, तुम पकड़ी जाओगी। रात को रे उसके रूममेट को कहता है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा जिसके लिए मैं तुम्हें $100 दूंगा।
अगली सुबह लीना उससे मिलने आती है। वो उसे गार्डन पे ले जाती है। सबको लगता है रे सिर टिप्स पे है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। फिर भी एक स्टाफ उनके पीछे पीछे जाता है। तभी रे का रूममेट आके उसे परेशान करता है। वो उसके पीछे भागते हुए अंदर चला जाता है। तब रे कहता है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था और तुम्हारे प्लान में कोई भी फॉल्ट नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया और तुम उस जाल में फंस गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने वही गलती की जो हर क्रिमिनल करता है। अपनी क्यूरियोसिटी से तुम प्लान का फॉल्ट जानने आई हो। तुमने मुझे पागल साबित करके अच्छा किया, क्योंकि पागल कुछ भी कर सकते हैं और उसकी सजा भी मुझे नहीं मिलेगी। वैसे भी मैं 1.5-2 साल में यहाँ से निकलने वाला हूँ। ये कहकर वो लीना का गला दबा देता है, अपने हाथों से उसे मार देता है। इसके 2 साल बाद रे पागल खाने से छूट जाता है और अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी रहने लगता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।